ये सब मुझे बुला रहे हैं कि आ जाओ, उनसे सबर नहीं हो रहा। तुम मैथ का पेपर लग रही हो, ये उर्दू का पेपर, पेपर पहली बास्केट के पास खड़ी हो गई है। नहीं 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 कल इफ्तारी थी और कल बड़ी हैसल हो गई थी और मेरा जो है ना वो सर इस वक्त बिल्कुल शक्ल आपको पता लग रहा होगा कैसे मैंने अपने बाल पैक किए। मेरी अम्मा भी फुल इस वक्त थकी हुई है क्योंकि हमारे घर डबल गेस्ट आ गए थे सुबह सैरी वेरी। उन लोगों ने की उस वक्त मेरे अंदर बिल्कुल हिम्मत नहीं थी कि मैं कैमरा ऑन करती, मेरी एनर्जी इस कदर ड्रेन हो गई थी। लेकिन अगर आप लोगों ने इस ड्रेन एनर्जी में मेरी एनर्जी को बूस्ट नहीं किया चैनल सब्सक्राइब करके तो मैं आप लोग से नाराज हो जाऊंगी। मैं कोशिश कर रही हूँ मैं कोई छुट्टी ना करूँ, मैं कोशिश करूँ। मैंने पूरा रमजान चैलेंज बोल, अभी राबिया पागल हुई भी है बोल रही बिकॉज उसने अभी जाना है इफ्तारी पे। अभी मिलवाती हूँ आपको सबसे और आज हम करने वाले हैं मेरी ईदी की अनबॉक्सिंग। किसके साथ का? ओहो हियर तो राबिया लेट हो रही है गाइस। राबिया ने जाना है आज इफ्तारी पे, उसकी उसके दोस्त की तरफ इफ्तारी है और राबिया को जूता नहीं मिल रहा। राबिया तो तुम ये वाला जूता पहन लो, ये लो इतना प्यारा लगेगा। नहीं ये पहन लो राबिया, ये ब्लू इतना अच्छा लग रहा है, तुम अपना ढूंढ रही हो, वो ये पहन लो। मानो मैडम अपने कमरे की सफाई कर रही है, तो जो है ना वो चेंज करे बगैर सो गई थी। इसको भी देखो लग तो तुम बड़ी प्यारी रही हो लेकिन इतने गुस्से में। गाइज मैं आपको इसका पाँव दिखाऊँ, एक पाँव तो पता भी नहीं चल रहा कि तुमने एक में जूता नहीं पहना, उसके ऊपर नेल पॉलिश से ऐसे गोल गोल बना लो। तो वही ट्रांसपेरेंट था ना प्यारा था, तो जो मैंने पहना है वो बहुत अच्छा। गाइज बताएं कि ये क्या, इसको ब्लू पहन के तो देखो ब्लू इतना अच्छा लगेगा। ये देखो जूता पता नहीं कहाँ कहाँ ढूंढेगी राबिया। अगर तुम्हें इतनी अकल हो ना तो तुम सोफे के नीचे देख लो, सोफे के नीचे देखो। राबिया जो है ना वो सोफे के नीचे से देखते हुए मिला पड़ा हुआ ना, मिल गया। इतना चीखने चिल्लाने से बेहतर क्या होता है कि आप उस चीज के लिए एफर्ट करना स्टार्ट कर दो। अभी ये बेचारी हीरा का वेट कर रही है क्योंकि हीरा ने इसको छोड़ना है। कितनी देर में तुम पहुंचोगी वहाँ पे? आप ऊपर से रैपिड कमर्शियल ड्राइविंग स्लो अच्छी होती है। स्लो है, स्लो और क्या क्या पागल कर देंगे घर वाले कसम से। तुम पागल हो, तुम पागल कर, हाँ तुम पागल करोगी उनको कि वो तुम्हें पागल कर देंगे। वो मुझे पागल कर देंगे। तुम ये क्या, हमें जमादार की जरूरत नहीं, आप जाएं यहाँ से। मम्मा ने सर हमें जमादार की नहीं जरूरत। बहुत अमीर हो, झाड़ू लेके फिरती हो। पीएन मेरी एक आदत जो अच्छी बहन है ना, ये बेचारी अब जा रही है। मेरे बगैर ना होला मारूंगी, वरना मारोगी सारा का सारा। अबे मेरे में निकाल ले, नहीं खोलती तुम्हारे बगैर। मुझे पता है मैं अपनी बहनों के बगैर अपना कोई भी बास्केट नहीं खोल सकती। और यहाँ पे हीरा ने दोनों ने जाना है साथ हीरा ने। लेकिन ओहो मम्मी भी साथ जा रही है उसको छोड़ने के लिए। राबिया तुम पूरी बारात अपने साथ लेके जा रही हो यार। इफ्तारी खुद बनानी पड़ेगी क्योंकि सब लोग वहाँ से करेंगी। कल की इफ्तारी का काफी कुछ सामान पड़ा हुआ है, सैलेड शैलेड वो सब चीजें आके थोड़ी देर में मैं करने वाली हूँ इफ्तारी। और उसके बाद हम अपना काम करेंगे जो असली काम है जिसका आप लोग इंतजार कर रहे हैं। 5 hours later. So guys, finally, मैंने रोजा वगैरह इफ्तार कर लिया था, मैं थोड़ी सी फ्रेश हो गई थी। अब आपको मेरा हुलिया देखने लायक लग रहा होगा। मैं चलती हूँ नीचे नीचे आके सबके सोते हैं क्योंकि सब मुझे बुला रहे हैं कि आ जाओ, उनसे सबर नहीं हो रहा कि हमने देखना हमने देखना हमने देखना। तो मैंने कहा आप लोगों के बगैर मैं नहीं दिखा सकती, तो लेट्स गो चलते हैं फाइनली अपने काम की तरफ। मेरी ये बहन तो कोई तैयार हुई है फातिमा, बट व्हाट इज दिस? फातिमा की चलाकियाँ बन रही हैं, चलाकियाँ। लोग बड़ा इंतजार कर रहे हैं इसकी चलाकियों का। जल्दी जल्दी शूट करो जल्दी जल्दी। पता मैं गई लग रहा है वो जो ग्राफ पेपर नहीं होता। हाँ 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 तुम मैथ का पेपर लग रही हो, ये उर्दू का पेपर, ड्राइंग पेपर। हाँ तो ये ड्राइंग पेपर है और ज़ैनब इंग्लिश का पेपर और मैं ग्रीन पेपर। मैं पाकिस्तान पाक स्टडीज हूँ, ठीक है। अब वो किस चीज की जल्दी अनबॉक्सिंग लो यार, इसको गिनो अनबॉक्सिंग की मेरे से ज्यादा मेरी बहनों को पड़ेगी। चलो आओ सब करते हैं। अड्डी तेरी केड़ी बेलन है जब आई तो 18 घंटे जा चा करके सिर्फ पंजाबी एंड यू आर जस्ट अनोइंग। हाँ
तुम नकली फेक पंजाबन हो, तन्ने पता पंजाबी हुंदी क्या हो जी है। ये इधर कुल्फी पार्टी कर रही है। वो देखो वो तो आके पहली बास्केट के पास खड़ी हो गई है, फातिमा रानी चोर उचक्की। नाइस चोर कहाँ से लिया? रेंट लोगर। अच्छा इस ट्रक में है। हाँ ये नाइस पेड़ा रहा है, सारे कमेंट में कौन नाइस पेड़ा। हे गाइस वेलकम टू दुबई जलो जी। ये हमने कहाँ से खोल लिया यहाँ से? गलत किसी को पहले आ गए आप लोग। सबसे पहले मुझे मिली है ये करली 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 सारे पास तस्ती खोल लिया इसने बदतमीज़ ने। इनको पता है साइकिल ये रिश्तों के भी रूप। ये एक ड्रेस है, ये बहुत प्यारा है, इसका कलर कितना अच्छा है। जब हम भी मेहंदी लगवाएंगे कब वो दिन आएगा। ये मेहंदी मेहंदियाँ भी आई हैं भाई, मैं आपको दिखा देती हूँ एक। यस मैम आगे से मैं खोलने लेकिन निकल गया, अभी खुली नहीं थी। ये तो ले लो मम्मा। ये खुल क्यों नहीं रहा? लॉक हो गया, चाबी घूम गई। नहीं चाबी नहीं घूमनी चाहिए, मेरी चीजें खराब नहीं होनी चाहिए। मैं करके अपने गाइस को भी सारी चीजें दिखाऊंगी। ये जो है ना, ये जो जूते हैं ये इसके साथ मैच। तो जी सबसे पहले मैं आपको दिखा रही हूँ, मैंने आपको जूता दिखा दिया, क्लच दिखा दिया, अभी बारी है ये आपको डिटेल में दिखाने की। ये ड्रेस का जिसका कलर बहुत 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 प्यारा है, और ये ड्रेस मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ तुम पे यू लाइक माई एवरी थिंग तू मेरी जगह। नहीं ये बड़ा पता नहीं नहीं है ना, बड़ा मजे का कपड़ा है, अच्छा लग रहा है। गर्मियों में पहना जाएगा और सर्दियों में। ये रखते रहो पीछे। एंड जो दूसरा ड्रेस है वो भी अनस्टिच है। अनस्टिच का पता है क्या फायदा होता है? मोटे पतले हो जाओ बाद में सिलवा लो। हाँ ड्रेस है ये, गोल्डन कलर का है, स्किन की कलर बड़ा बड़ा प्यारा लगता है। राबिया ये नजर बस खाने वाली चीजों पे है, सिर्फ खाने वाली। तू और से देख ही नहीं। ये मेहंदी का कलर है। चलो मेरी एक बहन को मेहंदी के कलर की पड़ गई भाई। मेहंदियाँ हैं, अच्छा कलर है ये मुझे। ये दुल्हन मेहंदी है और ये दुल्हन की बहन होगी मेहंदी, और ये झुमके भी है। वाह दिखाओ मुझे झुमके, दिखाओ। छोटे ही पहनती हुए झुमके, बड़े बड़े पहनती हुए। यार ये कितने प्यारे लग रहे हैं। छोटा नहीं, गत्ते के साथ पहन रही हो? गत्ता तो छोटा है। अब हम इसको पहनेंगे लाइक दिस। यार ये चूड़ियाँ अच्छी हैं, छोटा ये मेरे। नहीं कितनी बड़ी बाजू है तुम्हारी, नाइस यार है ना, ये अच्छी लगेंगी। बहुत प्यारी गाइस, ये है चूड़ी और चूड़ी चूड़ी है, चूड़ी और मम्मा बनाती है चूड़ी। अगले झुक के देखे गाइस, ये प्यारे है ना, अच्छे लग रहे हैं बड़े बड़े। ये भी क्यूट है। मुझे सबसे अच्छी लगती है झुमके ना, मुझे खुद बड़े बड़े झुमके इतने पसंद है। मुझे बड़े बड़े है ना, बहुत लाइट है। ये देखे मम्मा, ये देखो वो देखो उधर कितना प्यारे लग रहे हैं। उधर देखो मेरी मम्मी के काम। दूसरा भी पहन लूं? मुझे सबसे प्यारा ये डिब्बा लगा। कोई नहीं डिब्बा लो, बंदी लगी होती है। तो डिब्बा तो रख लो जल्दी हमें। चल किसी को जूती खानी है? किसी को चप्पल खानी है? यार ये ड्रेस मेरे सबसे, क्योंकि कलर मुझे बहुत प्यारा लगा है। और इसके साथ है ये चूड़ियाँ। चूड़ियों का साइज सेम है, इसलिए हाँ यू गाइस कैन हैव, क्योंकि ये चूड़ियाँ भी है। ईद तो यार कमिटेड लोग ही होती है, सिंगल लोग तो कोने में बैठ कर होते हैं। 10 रुपए ईदी लेके हवा लेते हैं। बात से हमें अपने पैसों से ईद लेनी पड़ती है, खुद बाकी। ब्राइडल कौन मेहंदी? इसका कलर इतना ज्यादा, किसका तेज है? कलर तेज है। महारानी ब्राइडल कौन मेहंदी? कराची पाकिस्तान। महारानी ब्राइडल कौन मेहंदी?
फातिमा कौन मेहंदी दस्तयाब है हर की वैरायटी तो दिखाओ सारी गाइस किसी ने फातिमा को ईदी भिजवानी है प्लीज भिजवा दो शदीद किस्म की सिंगल औरत है मुझे भी गाइस मुझे भी ईदी देनी है तो मुझे भी ईदी किसी ना किसी तरह मेरे घर के बाहर ऐसे रखे दिल मेरे को चार महीने ईदी और अंदर आ जाओ मैं मुझे भी लाल चोलो लाली चलो जी है क्या बात है लालच ओलो जी लाला चलो जी हमें भी ये चीजें चाहिए ये लालच अरे भाई को ईदी मिलेगी लेकिन ईद वाले दिन इधर मेरी मम्मा की चल रही है रैम वॉक ठीक है मेरे जूतों में मम्मा जरा मुड़े 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 अब वॉक करे जरा हील्स नहीं पहनती है लेकिन यहाँ पे बड़ी हील्स पहन लेती है हाँ अब अच्छी लग रही है देखो ये देख रहे हैं आप लोग ये मेरी बहने सारी चीजें अनपैक करके ना छू मंत्रों के अंदर चली गई है और सारी इसकी पैकिंग की मतलब सिर्फ देख लिया खोल खोल के और जो वापस मैंने बोला कि मेरे साथ अरेंज करा दो एक एक करके खिसकती गई है मैंने भी बोला निकलो इसमें से एक भी चीज़ नहीं दूंगी उनको एक भी नहीं दूंगी और मेहंदी भी नहीं दूंगी खुद ही लगाऊंगी मैंने इनको मेहंदी ही नहीं लगानी है क्योंकि ये मेहंदी हमेशा चांद पे मेरे से लगवाती है मैंने नहीं लगानी इनको क्योंकि मेरे साथ सामान नहीं समेटती है मैं सारी चीज़ें लेके जाऊँगी अपने कमरे में और फिर इसको ऑर्गेनाइज करके रखूँगी मुझे ईद बहुत 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 पसंद आई ये सब चीज़ें बहुत अच्छी थी दोनों ड्रेस बहुत अच्छे थे जूते अच्छे थे क्लच भी अच्छा था चूड़ियाँ भी अच्छी थी मेहंदियाँ भी झुमके भी सब चीज़ें बहुत 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 अच्छी थी इस लड़की अपने को ये छोटू लगने छोटू मैंने भी काटे हुए नेल्स क्या मैं अपने हाथों को देख के ना रोना आ रहा है कि मैंने क्या कर लिया अपने साथ मुझे हार करते हैं बच्चों वाले हार लगते हैं ये अकेले क्यों खा रही हो अकेले खाते हैं खाने से ज्वालन आती है चलो जब मेरी ऑलरेडी ज्वालन मेरी है ज्वालन बहुत मेरी ज्यादा अच्छी मेरी अच्छी मेरी ज्यादा मेरी ज्यादा मेरा डिम्पल बच्चा मेरी इधर बच्चा चलो जी अब हम देखने लगे हैं कि व्हाट्स इन राबियाज़ बैग मेरे गिफ्ट की अनबॉक्सिंग तो बड़े सुकून से करती हूँ अपने बैग में चेक कराओ पहले यार छोटा ब्रश ये ब्रश किसका है मेरा है ये मैं खुद जाके लेके आई थी मुझे इसके बैग में से अपनी काफी ज्यादा चीजें बरामद होने वाली हैं कभी तबीयत खराब हो तो बंदा खा ले ठीक है और मैं दिखा लू ना मैं खुद देखूंगी किचन पड़ा हुआ अच्छा इसके पास एक ये मिक्की है और इसकी वाइफ मेरे पास है इस वक्त क्यूटी क्यूटी और ये तो वो है बॉब द बिल्डर ये पड़ा हुआ है अच्छा जी नॉट बैड ठीक है ठीक है ये हमारी ना यूनिवर्सिटी में वो आए थे मेकअप बांटे तो नॉर्थ का देखे गए नहीं नहीं ये एक नेल पेंट और साथ ये मेरा अपना पढ़ाई का काम है इससे मैं करवाती हूँ अच्छा पढ़ती भी है गाइस ये लड़की ठीक है और फिर कुछ नोट बहुत महंगी बहुत ज्यादा नोट है इसके पास चेक कर दे 150 बेटा पैसा बेटा पैसा चेक कर परफ्यूम है छोटा सा फिर एक लिपस्टिक तो मैंने अंकल से इतना मीठा स्वीटनर लग रहा है मुझे ये मैंने अंकल से लड़ लड़ के लिपस्टिक ली थी क्यों क्या मतलब इसमें शेड मुझे कहीं से मिलता नहीं है ये शेड क्या है और ये उनका सैंपल तो कहते हैं शेड खत्म हो गया मैंने कहा अंकल मुझे यही चाहिए अच्छा प्यारा शेड है रंग बहुत गोरा लगता है फिर इसके पास है जी पेन और बस ये देखें इसके बैग में और इतना कुछ है यार पैसा ही पैसा गाइस मैं भी कभी आपको दिखाऊंगी मेरे बैग में क्या मेरे बैग में पूरा घर होता है इन चीजों के साथ मैं निकल भी नहीं सकती हूँ बेटा मैं यूनिवर्सिटी जाती हूँ ज्यादा लड़ने नहीं जाती मुझे एक चीज का फोबिया है कि मैं जब कहीं जाऊँ तो मेरे बैग में हर चीज हो मुझे किससे मांगना ना पड़े पूछा नहीं था ऐसे हमने निकलो अब मैं अपनी ईदी शीदी लेके ऊपर जा रही हूँ मैंने इनके पास बैठी दे आर टू बैड मम्मा जी ये देखिए आपकी किस कटोरी में खा रही है ये अब बस नाउ इट्स टू मच मुझे ना चले जाना चाहिए और मैं जा रही हूँ यहाँ से ठीक है मैं जा रही हूँ नहीं सुनूंगी अब
तो मैं आ चुकी थी गाइस फाइनली अपने कमरे में और मैंने बड़ी सारी चीजें समेटी हैं। अभी मैंने अपनी वीडियो बना के मैं फारिग हुई हूँ, इंस्टाग्राम पे लगा रही थी इतने 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 सारे जो मेरे पास जूते हैं इस वक्त, सबकी मैंने वीडियो वगैरह अपलोड कर दी है। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का व्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा। इंशाल्लाह मेरी आप लोग से मुलाकात होगी अगले व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।